पटना का गौरव राजधानी वाटिका। यहाँ पर पांच प्रकार के वृक्ष लगाए गए हैं जिन्हें हमारी संस्कृति में पवित्र कहा गया है। सामने आप देख रहे होंगे बहुत खूबसूरत झील है, बहुत खूबसूरत टनल है दोस्तों, सामने आप देख रहे होंगे। धर्म का जिस तरह से यहाँ पर निरूपण किया गया है इस पार्क में वो अद्भुत है। यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत ट्रैक बनाए गए हैं जॉगिंग करने के लिए। और दोस्तों अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं राजधानी वाटिका में थीम बेस्ड पार्क। यहाँ पर जितने भी पार्क बनाए गए हैं किसी न किसी पर्टिकुलर थीम पर बनाए गए हैं और उनका नामांकन ग्रह नक्षत्रों के आधार पर किया गया है। और इसके अतिरिक्त सबसे खास बात जो लगी है, धर्म और संस्कृति का बड़ा ही अद्भुत समायोजन यहाँ पर किया गया है राजधानी वाटिका में, जो आपको कहीं बिहार में या किसी देश में कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। और जो सुंदरता है पार्क की, आप मेरे पीछे उसकी एक झलक देख रहे होंगे। दोस्तों हम राजधानी वाटिका में अपने पार्क की यात्रा की शुरुआत यहाँ तीर्थंकर वन से करेंगे। बहुत सुंदर वन है और इनका जो नामांकन है जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों के नाम पर किया गया है, सामने आप देख रहे होंगे। पहली बार हम राजधानी वाटिका की बड़ी अद्भुत यात्रा कर रहे हैं। यहाँ पे 24 प्रकार के पेड़ हैं 24 तीर्थंकरों के नाम पर और उनके वैज्ञानिक नाम भी यहाँ पर जो है बताए गए हैं। ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर दृश्य है दोस्तों यहाँ का, हम शब्दों से बयां नहीं कर सकते हैं। दोनों तरफ से जो पेड़ हैं, जिस करीने से पेड़ों को सजाया गया है, उसकी खूबसूरती अद्भुत है दोस्तों। और यहीं पर जो है थीम बेस्ड पार्क हैं, ग्रह नक्षत्रों के आधार पर जो है पार्क यहाँ पर बनाए गए हैं दोस्तों। धर्म और संस्कृति का समायोजन किया गया है, एक एक करके हम आपको दिखाएंगे। गुरु वाटिका, जो सिख धर्म का प्रतीक चिन्ह है खंडा, उसको यहाँ पर जो है दिखाया गया है गुरु वाटिका में, हम आपको दिखाएंगे। बहुत खूबसूरत है दोस्तों, बिल्कुल सामने आप देख रहे होंगे। और गुरु वाटिका के जस्ट अपोजिट साइड में बुद्धा वाटिका है, भगवान बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग को यहाँ पर इस पार्क में दिखाया गया है दोस्तों। जो अष्टांगिक मार्ग के प्रतीक आठ तिलियां हैं उनको बुद्धा वाटिका में दिखाया गया है, सामने आप देख रहे होंगे। और दोस्तों गुरु वाटिका और बुद्धा वाटिका से थोड़ा सा आप आगे बढ़ेंगे, पंचवटी वन है। यहाँ पर पांच प्रकार के वृक्ष लगाए गए हैं जिन्हें हमारी संस्कृति में पवित्र कहा गया है, महत्वपूर्ण कहा गया है, जिन्हें पांच तत्वों से भी जोड़ा जाता है, पांच संवेदी तंत्रों से भी जोड़ा जाता है, उसका डिटेल सामने आप देख रहे होंगे। ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत, यही राजधानी वाटिका की सबसे बड़ी खासियत है जो अभी हम आपको दिखा रहे हैं। ऐसा आपको भारत या दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलेगा। और पंचवटी वन के जस्ट सामने राशि वन है, जिस प्रकार 12 राशियां होती हैं और राशियों से जुड़े हुए 12 पेड़ होते हैं, उन्हीं को यहां पर लगाया गया है दोस्तों। और दोस्तों यहां पर आप देख रहे हैं राशि वन का पूरा डिटेल, जो 12 राशियों के समूह हैं उनसे जुड़े हुए जो वृक्ष हैं किस प्रकार हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं, व्यक्ति विशेष का कैसे कल्याण होता है और कौन कौन से वो पेड़ होते हैं यहाँ पर आप देख रहे होंगे। और दोस्तों अब हम थीम बेस्ड पार्क के अंतिम चरण में, ये जो पार्क सामने आपको दिखा रहे हैं ये सभी राशियों से जुड़े हुए हैं, ग्रह नक्षत्रों से जुड़े हुए हैं। और दोस्तों अभी जो आपको हमने नक्षत्र वन दिखाया उसमें राशियों से संबंधित
नक्षत्र एवं वृक्षों का मानचित्र निरूपण यहाँ पर दिया गया है। बहुत सुंदर है दोस्तों ये पार्क। ब्यूटीफुल। और दोस्तों थीम बेस्ड पार्क से थोड़ा सा आप आगे बढ़ेंगे, सामने आप देख रहे होंगे बहुत खूबसूरत झील है, सरोवर है, और यहाँ पर बोटिंग करने में कितना मज़ा आता होगा ये सोच करके ही मन आह्लादित हो जाता है। और किनारे किनारे बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत फूल लगाए गए हैं। और बिल्कुल सामने आप देख रहे हैं उद्यान का प्रशासनिक भवन, जहां से पूरे पार्क को कंट्रोल किया जाता है। और दोस्तों अब हम राजधानी वाटिका के दूसरे हिस्से में चलेंगे, जो कि एक अंडरग्राउंड टनल से जुड़ा हुआ है, मेरे पीछे आप देख रहे होंगे। और उसी के जस्ट बगल में नालंदा खंडहर की बहुत ही खूबसूरत प्रतिकृति बनाई गई है, कलाकृति बनाई गई है, ये हम आपको दिखाएंगे, उसके बाद हम पार्क के दूसरे हिस्से में चलेंगे। दोस्तों अगर आप नालंदा नहीं गए हैं, वहाँ के खंडहर नहीं देखे हैं, तो यहाँ राजधानी वाटिका में आ जाइए, उसकी हूबहू प्रतिकृति यहाँ पर दिखाई गई है, बहुत सुंदर कलाकृति। ब्यूटीफुल, खूबसूरत। और अब हम अंडरग्राउंड टनल पार करेंगे। भगवान बुद्ध और भगवान महावीर की स्मृतियों को यहाँ पर संजोया गया है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। बहुत खूबसूरत टनल है दोस्तों, सामने आप देख रहे होंगे, ऐसा किसी भी पार्क में आपको देखने को नहीं मिलेगा। ऊपर में सड़क है, नीचे जो है अंडरग्राउंड टनल है। और दोस्तों यहाँ पर सामने आप देख रहे होंगे अंडरग्राउंड टनल में भगवान बुद्ध के जन्म से लेकर महापरिनिर्वाण तक के जीवन को खूबसूरत चित्रकला के माध्यम से दिखाया गया है दोस्तों, बहुत सुंदर। धर्म का जिस तरह से यहाँ पर निरूपण किया गया इस पार्क में वो अद्भुत है, उसके लिए हमारे पास शब्द नहीं है। और टनल में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, तीर्थंकर भगवान महावीर के जीवन चक्र को यहाँ पर चित्रकला के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है दोस्तों। और दोस्तों अब हम अंडरग्राउंड टनल को पार करके पार्क के इस हिस्से में आ गए हैं, और पार करते ही बिल्कुल सामने आप देख रहे होंगे राजा शैलेश की बहुत ही खूबसूरत प्रतिमा बनाई गई है, बिल्कुल नज़दीक से आपको दिखाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय कलाकार रजत घोष के द्वारा ये प्रतिमा बनाया गया था दोस्तों। और दोस्तों अंडरग्राउंड टनल पार करने के बाद राजा शैलेश की प्रतिमा के जस्ट सामने एक और खूबसूरत झील सरोवर, जहाँ पर लोग बोटिंग करते हैं, और यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत ट्रैक बनाए गए हैं जॉगिंग करने के लिए, वॉक करने के लिए, दौड़ने के लिए। और वो देखिए बहुत ही खूबसूरत झील सरोवर। और ये पार्क का पहला हिस्सा है, पहला पार्ट है। अंडरग्राउंड टनल के बाद दो हिस्से हैं पार्क के, और यहाँ से जो सीन नज़र आ रहा है पार्क का, खूबसूरती का क्या कहना, बहुत खूबसूरत।
और दोस्तों बिल्कुल सामने आप देख रहे होंगे राजधानी वाटिका में बर्तनों का इस्तेमाल करके बहुत खूबसूरत कलाकृति बनाई गई है। और दोस्तों बिल्कुल सामने जो सरोवर आप देख रहे हैं, दूसरा सरोवर, इसमें आप गुब्बारे में प्रवेश करके एंजॉय कर सकते हैं, सरोवर में मस्ती कर सकते हैं। बहुत मज़ा आता है इसमें अंदर गुब्बारे में प्रवेश करने के बाद, पानी में तैरने के बाद। और इधर की खूबसूरती बहुत ज़बरदस्त है दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत ट्रैक भी बनाए गए हैं, और जिस तरह से पौधों को करीने से लगाया गया है, सजाया गया है, वो काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं। और अभी हवा चल रहा है तो हवा के कारण जो पौधे मूव कर रहे हैं तो खूबसूरती चार चांद लग जा रही है खूबसूरती में दोस्तों। और दोस्तों अब हम 6 एकड़ से ज़्यादा में फैले राजधानी वाटिका के अंतिम पार्ट में पहुँच चुके हैं। यहाँ की जो खूबसूरती है, घास की जो खूबसूरती है, ज़बरदस्त है। और बिल्कुल सामने आप देख रहे हैं, यहीं पर लोग मस्ती करते हैं, खासकर परिवार के साथ आकर के लोग यहाँ पर एंजॉय करते हैं। और सामने आप देख रहे हैं महात्मा गांधी जी का स्मारक। ब्यूटीफुल, यहाँ पर खजूर के पेड़ हैं, करीने से सजाए गए हैं रोड के दोनों तरफ। और यहीं पर सामने आप देख रहे हैं बच्चों के लिए एंटरटेनमेंट जोन, फुल मस्ती, फुल एंटरटेनमेंट, फुल एंजॉय का यहाँ पर साधन मौजूद है। और गेट नंबर 1 के पास भी बहुत ही खूबसूरत गार्डनिंग है, एक से एक बेहतरीन फूल यहाँ पर लगाए गए हैं। पटना का गौरव, राजधानी वाटिका। अब हम गेट नंबर 1 के पास आ गए हैं, और यहीं राजधानी वाटिका गेट नंबर 1 के पास पूरे पार्क का मैप दिखाया गया है। यहाँ पर 3 पार्क है, और तीनों पार्क में कहाँ क्या चीज़ें हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको घूमने में दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों आज हमने मॉर्निंग के समय पटना राजधानी वाटिका इको पार्क की यात्रा की, और आज का जो हमारा स्पेशल ब्लॉग था आपके हेल्थ और हैप्पीनेस के लिए, आपके सुकून के लिए समर्पित था।